हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन पीरियोडिसिटी यूनिट थर्ड. हमको स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल के बारे में. है बेसिकली पूरा चैप्टर, ठीक है. पीरियोडिक टेबल आपको पता है, आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो चुके होंगे अब तक, लेकिन बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी और उन सबको हमको देखना है, ठीक है. पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम पीरियोडिक टेबल को अपनी आंखों के सामने रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने में भी और मुझे समझाने में भी. तो पहले आप जनरली देखो पीरियोडिक टेबल को कि एक्चुअली में है क्या. ओके, सो दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने आपका पीरियोडिक टेबल है, आप ये पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हो. एक जनरल बस मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद हम जो भी इसमें पढ़ेंगे उसको डिटेल में लिखते जाएंगे. देखो पीरियोडिक टेबल में आपको ये सबसे जो चार कैटेगराइजेशन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल चार है. मतलब कि ये जो आप दो ब्लॉक देख पा रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पे एक अलग पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, और एक पार्ट ये हो गया और लास्ट का ये पार्ट हो गया, ठीक है. अब देखिए सबसे दो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पीरियोडिक टेबल में समझने की, वो ये है कि आपका पूरा पीरियोडिक टेबल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, और वो है ग्रुप और पीरियड, ठीक है. ये हो गया आपका ग्रुप, ठीक है, और हो गया पीरियड. ओके, ठीक है. तो अब ग्रुप की बात करें तो टोटल कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. ये आप देख पा रहे हो कि 1 to 18, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में. ये पुरानी नंबरिंग है, ओल्डर सिस्टम है, अब नहीं यूज़ किया जाता. IUPAC ने न्यू सिस्टम दे दिया है, तो ये काउंटिंग ही आपको लिखना 1 2 3, एंड इट्स ईजियर देन द प्रीवियस वन, ठीक है. तो ये आपकी जो है नंबरिंग है, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं. और अगर पीरियड्स की बात करें तो टोटल कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? दे आर 7 पीरियड. कैसे होते हैं देखिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, पीरियोडिक टेबल की काउंटिंग आपको दी नहीं रहती, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3rd 4th 5th 6th 7, टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है. तो कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है. ये जो आपको दिख रहा है ये भी इन्हीं 6 और 7 पीरियड का ही पार्ट है. ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला, ठीक है, जिसको लैंथेनॉइड्स बोला जाता है, और ये एक्टिनॉइड्स दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है. तो ये कोई अलग पीरियड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7, ठीक है. तो ऐसे नहीं कि आपने यहाँ तक 7 लिखे फिर इसको 8 9 लिख दी, ऐसा नहीं है. इसको अपन आगे पढ़ेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ये एक सिंपल बात हो गई कि ग्रुप 18 पीरियड 7. ओके, दूसरी बात कि इस इतने बड़े पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये जो आपको दो पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, सबके अपने अपने नाम है, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक, ठीक है. चार ब्लॉक हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, दिस इज योर एस ब्लॉक. 3rd से लेकर 12th तक होता है डी ब्लॉक, ठीक. 13 to 18 होता है आपका पी ब्लॉक, करेक्ट है. और ये जो आप दो देख रहे हैं नीचे में, ये है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है. कैपिटल मत लिखिएगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि डी का भी एक अलग मीनिंग है. आप कैपिटल डी लिखते हैं, उसका भी केमिस्ट्री में जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा. तो ये सारा इसका ब्लॉक्स हैं. टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं. ये पीरियोडिक टेबल को आप समझ लीजिए, ठीक है. अब इसको याद कैसे करना है, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कोई गाना गा के बोलूँ कि आप इसकी एक राइम जमा लो हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक, ठीक है, कि हाँ ले गया हाथी की थैली जो भी रब ने, तो वट एवर इट इज, ठीक है. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रहीम जमा के या गाने के फॉर्म में याद कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है. ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे समझ पा रहे हैं. ये इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है कि मैं उसको कैसे समझ पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है. अगर मैं बोलूँगी कि नहीं आप गाना गा के पढ़ो ज़्यादा ईजी पढ़ते हो, इट्स नॉट दैट. अगर सिंपल तरीके से, बहुत लोग सिंपली याद कर लेते हैं, ठीक है. आई प्रेफर सिंपल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन, ठीक है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब ये आप लोग इसकी राइम जमाते हो, एक दो राइम्स इधर उधर हो गई, ठीक है, आप रब ने लिए थैली जो भी आप लोग जमाओगे, एक दो वर्ड इधर उधर हो गया तो आपकी तो लुटिया डूब गई, गई थैली, ठीक है. तो इससे अच्छा है कि आप सिंपल इसको सिंपल तरीके से याद करिए, ठीक.
और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं गाना गा के ही पढ़ूंगा, सारों के गाने बना लूँ, तो आप 18 जो है 18 ग्रुप से 18 राइम्स तैयार कर लो, ग्रुप के फॉर्म में या पीरियड के फॉर्म में। तो ये हो गई सिंपल सी बात, हमने जैसे भी पढ़ लिए, तो ये हमारा एस ब्लॉक। अब आप ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, सबको सबका कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगी कि एस ब्लॉक का क्या है, डी ब्लॉक का क्या है। देखो पहले बहुत सिंपल सी चीज़ों से पढ़ना शुरू करो, एकदम सिंपल तरीके से, तभी आपको केमिस्ट्री बनेगी, ठीक है। एकदम से उड़ जाओगे फ्लाइट पर तो नहीं बनेगी, ठीक है। पहले बहुत ही बेसिक पढ़िए आप, फिर उसके बाद आप पढ़ना, तो आपको सब समझ में आता जाएगा, ठीक। सो अगर मैं पूछती हूँ कि एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, एस ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, थर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक होता है, ठीक है। पी ब्लॉक कहाँ है, 13 to 18 होता है। ये जो 18th ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दीवार, ये दीवार बनाने का कारण, ये 18th ग्रुप जो है पूरा का पूरा, हालांकि ये तो पी ब्लॉक के अंदर ही आता है, ठीक है, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी क्यों पी ब्लॉक के अंदर आता है। इसको नोबल गैस बोला जाता है, नोबल गैस बोलो, इनर्ट गैस बोल लो, ठीक है। तो ये दोनों नाम से इसको जानते हैं, किसको, 18th ग्रुप को। अब नोबल का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, 100 बात की एक बात स्टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। क्यों, कारण क्या है, रीज़न ये है कि जो नोबल गैस रहती है, इसीलिए इनका नाम नोबल गैस रखा गया या इनर्ट बोला गया है। इनर्ट का मतलब ये होता है कि उन लोग क्या है, सारे के सारे स्टेबल। उनका जो बाहर वाला शेल है, ऑक्टेट है, किसी भी एटम को, कोई भी एटम या कोई भी रिएक्शन, रिएक्शन एक्चुअली में क्यों होता है, अगर सिंपल से पूछा जाए कि वाई द रिएक्शन अकर्स, क्यों रिएक्शन हो रहा है, खुशी तो है नहीं उसकी, तो रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी गेन करना होता है। अगर कोई भी चीज़ पहले से ही स्टेबल रहेगी तो उसमें रिएक्शन होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। आप पैसे क्यों कमा रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आप खाना क्यों खा रहे हो, आपको भूख लगी है, सिंपल। तो जब तक स्टेबिलिटी गेन नहीं होती है तब तक चीज़ें रिएक्ट होती रहती हैं, ठीक है। स्टेबल है वो चीज़, सारे आइटम स्टेबल हैं, मतलब इनके जो बाहर वाला शेल होता है उनमें टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, नोबल गैस है या इनर्ट गैस है, दैट्स वाई दे आर नॉट रिएक्टिव। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 18th ग्रुप एलिमेंट है वो रिएक्टिव नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो बाहर के शेल हैं उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या बोल सकते हैं ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिग्रेशन कम्प्लीट है, इनका ऑक्टेट कम्प्लीट है। इनके बाहर वाले शेल को जब हम देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि इनमें टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे हम पीरियोडिक टेबल में बढ़ेंगे ये चीज़ें आएंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल। अब जो मैंने आपको बोला उसको एक जनरल से फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, ताकि कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप देख सकते हो, ठीक ठीक है। तो अगर पीरियोडिक टेबल की अपन बात करें, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है जो हमने अभी पढ़ी है, एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है पीरियड, यही पढ़ा हमने अभी, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ठीक। ये जिम सिंपल और जनरल सी बात थी, एक दो पॉइंट देख लो आप क्या है इसमें। ग्रुप अगर आप देखोगे, अगर आप फोकस करो ग्रुप में, आप देखो जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ ग्रुप की बात, मैंने आपको क्या बोला, ये जो दिख रहे हैं आपको इस प्रकार, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप एंड सो ऑन, ठीक है। सो योर फर्स्ट ग्रुप यू कैन सी, राइट। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट ग्रुप का, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रही हूँ, पहला पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ, पहले ग्रुप है मतलब ये पहली फैमिली है, मतलब समझ लो कि सिंपल सी बात है कि किसकी फैमिली है, बच्चन फैमिली है, ठीक है, कोई भी फैमिली है। तो इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। सेम रहने का मतलब है, सेम, सीधी सी बात है, अगर एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक नहीं रहेगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर से आप क्या समझते हैं कि जब ये एंड करेंगे तो ये किस में एंड करेंगे, एस में, एस ऑर्बिटल में, ठीक है। और दूसरी बात, ये एंड किससे होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है, पहला ग्रुप, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस में एंड होने वाला है, एन एस वन में, हमेशा। देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, आप मैं लिख देती हूँ तो समझ जाओगे आप। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट आई मीन बाय सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं बोल रही हूँ कि ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इससे क्या समझ में आता है हमको, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही फैमिली, एक ही परिवार के हैं सारे लोग, मतलब उनके नाम के आखिरी में उनका सरनेम लगना ही लगना है, तो ऐसा वाला हाल है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं कि इसमें ग्रुप में, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा एन एस वन,
ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एन जो है वो क्या शो कर रहा है, अगर आप पढ़े होंगे धोखे से तो आपको याद होगा, ये एन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दिस इज योर एन। तो एन कुड बी एनी थिंग, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो एन सामने लिखा रहता है वो बताता है कि 1, 2, 3, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। अब सारे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख लूँ, थोड़ी देर के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप का उठा लेते हैं, लिथियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, अटोमिक नंबर 3 होता है, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखोगे इस प्रकार जाएगा, 1s2 2s1। आप देख रहे हो क्या बताया था मैंने, एन एस एस वन पर एंड करेगा, एस वन आया। अब आप सोडियम का देख लो, वो भी एस वन पर ही एंड होगा, सोडियम का होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो जो मैं आपको बता रही थी कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इट विल एंड एज एस वन, एस वन पर एंड हुआ, ये भी S1 पे एंड हुआ। आप जितने भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फर्स्ट ग्रुप के तो वो S1 पे एंड होगा, और अगर सेकंड ग्रुप का लिखोगे तो वो सेकंड पे एंड होगा, मतलब कि S2 आखिरी में आएगा, ठीक है। तो अब ये S जो आखिरी में लिखे रहते हैं वो ये बताते हैं कि मैं S ब्लॉक का हूँ, ठीक है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है एस ग्रुप से, ठीक है। तो ये एस जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन का सरनेम हो गया, आप समझ लो, ठीक है। अगर ये पी ब्लॉक का होता तो ये पी ब्लॉक पर ही एंड करता, ठीक है। कहीं कहीं पर हम एक्सेप्शनल देख सकते हैं, एक्सेप्शनल कंडीशन आएंगी वो डी ब्लॉक में आ जाती हैं, अदरवाइज इट विल रिमेन से एक्सेप्शनल, तो होगा एक्सेप्शनल नहीं तो साइंस नहीं, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरी चीज़ आप देखो ग्रुप में, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सेकंड पॉइंट क्या है, पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, एक सिंपल जनरल से बता रहे हैं अपन कि ग्रुप में दे'ल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी सेम होंगे, या और बोल सकते हो एंड इनकी जो वैलेंसी होगी इट विल ऑल्सो रिमेन द सेम। वैलेंसी एक प्रॉपर्टी हो गई, कैपेसिटी हो गई, तो ठीक है प्रॉपर्टी की बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन तो भैया रहते हैं आउटर मोशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, स्टार बना दिया जाए इसमें हैशटैग। तो ये जो वैलेंस है इसका मतलब होता है कि जब आप शेल ड्रॉ करते हो, आपको याद होगा शेल, ये मैंने ड्रॉ किया, के शेल ड्रॉ हो गया, एल शेल हो गया, ठीक है। तो जो बाहर वाला शेल है, सपोज अपना बाहर वाला शेल कौन सा है, एल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अपना बाहर वाला शेल जो है वो एल है। तो बाहर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, बाहर वाले शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल। तो इस अगर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, मैं आपसे पूछूं, तो ये जो आपको शेल दिख रहा है बाहर वाला सर्कल, इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। इस पे भी एक वीडियो है, आप देख सकते हो, चाहे इस मेरे चैनल का देखिए आप, चाहे कहीं का भी देखिए, ठीक है। तो वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया वैलेंस शेल हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन शेल में उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबका अपना अपना नाम पता है, करेक्ट, ठीक है। और वैलेंसी क्या हो गई, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर, ठीक है। क्यों करते हैं ये सारी चीज़, टू अटेन स्टेबिलिटी। हमेशा एक ही चीज़ याद रखो, केमिस्ट्री में जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन केमिस्ट्री, वॉट एवर रिएक्शन इज अकरिंग, इज जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी। स्टेबल होना है मुझे, इसीलिए हो रहा है। आप भी इसीलिए कमा रहे हैं क्योंकि आपको खाना है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन, वाई द रिएक्शन इज अकरिंग, क्यों हो रहा है रिएक्शन, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है, ठीक। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं पीरियड के अंदर, कि एक्चुअली में जो पीरियड है वो क्या इंडिकेट करता है, वॉट इट शोज, पीरियड क्या चीज़ समझाता है हमको। पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन, जो पीरियड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब पीरियड क्या इंडिकेट कर रहा है, पीरियड इंडिकेट कर रहा है द वैल्यू ऑफ एन, मतलब प्री पीरियड ये बताता है कि जो एन की वैल्यू है वो क्या होगी, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, ठीक है, वो उसी पे बेस्ड है। क्योंकि अगर फर्स्ट पीरियड का बंदा है, फर्स्ट पीरियड का एटम है या एलिमेंट है, तो यू विल सी दैट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल रिमेन वन,
ठीक है। तो प्रिंसिपल कॉन्ट सॉरी जो पीरियड है वो क्या इंडिकेट करता है, एन की वैल्यू को इंडिकेट करता है, और एन क्या है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और इट कुड बी एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी होती है। वैलेंस शेल क्या बताया मैंने आपको, बाहर वाला शेल, ठीक है। तो इससे आप याद रखिए वैलेंस शेल क्या होता है। अब पीरियोडिक टेबल आप जब देख रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको बता रही थी, लेट्स सी वंस अगेन, कि इसमें दो इनकी कैटेगरी, एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। जब ये टर्म आया शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन पता होना ज़रूरी है। शॉर्ट पीरियड किसको बोलते हैं, 288 आपका शॉर्ट पीरियड होता है, 18 18, 32 32 इज योर लॉन्ग पीरियड। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, आप देख पा रहे हो इस लाइन में सिर्फ दो ही एटम है, कौन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है, 2। सेकेंड वाले में देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने आपको क्या बोला 288 को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन इफ यू काउंट, अगर आप सोडियम से लेके आर्गन तक काउंट करो तब भी आपके 8 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गए शॉर्ट पीरियड, 288 इज द शॉर्ट पीरियड, और उसके बाद के सारे क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हम ये दो चीजें और नहीं देखते हैं, शॉर्ट पीरियड हो गया, और लॉन्ग पीरियड हो गया, ठीक है। तो जो PERI, ठीक है, तो आपका ये जो शॉर्ट पीरियड है ये हो गया 288, बता दिया मैंने 2 में हाइड्रोजन हीलियम आएंगे, 8 में कहाँ से कहाँ तक आएगा, एंड लॉन्ग पीरियड विल बी 18 18 32 32। आप जब काउंट करोगे तो अपने आप देखोगे कि इतने उसमें एलिमेंट हैं, वाकई में प्रेजेंट है। और क्या चीज़ें हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियड के अंदर, थर्ड पॉइंट एक और देख लो आप, कि दो उसमें एक और चीज़ें आप देखेंगे, एक होता है लैंथेनॉइड्स और एक होते हैं एक्टिनॉइड्स। ये दो नई बातें हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये दो वर्ड्स आएंगे। ये जो वर्ड हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये भी पीरियोडिक टेबल की ही बिरादरी की, ऐसी बात नहीं है कि बाहर के, ठीक है। इसको बोला जाता है 4F सबशेल, इसको बोला जाता है 5F सबशेल, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपको मैंने ऐसे ही बता दी कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होता है, इसके बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ना बाकी है, ठीक है। नाउ लेट अस फोकस ऑन, बहुत सारे पॉइंट है, आप बुक खोल के देखो तो मेहनत मतलब आँखों को कष्ट दो अपने, तो यू विल फाइंड सो मेनी पॉइंट्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। और रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप रीड नहीं करोगे बुक को, आपको दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें या ब्लॉक्स की बात करें, जो हम अब भी मैंने आपसे कही थी, जो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में समझा रही थी कि ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। इतने ब्लॉक हैं, इन्हीं पे पूरी कहानी बसी हुई है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक हैं एक्चुअली में, ये क्या बताते हैं, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ब्लॉक क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है, किससे जुड़ी हैं ये ब्लॉक्स की बातें। तो ईच ब्लॉक इज लिंक्ड टू सबशेल और ऑर्बिटल, ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़े हुए हैं सबशेल से, ऑर्बिटल से। मैंने आपको बताया कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन को एंड करोगे, लिखोगे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी में लिखा हुआ SPDF, जो कि जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं या सबशेल कहते हैं, आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा है, उसको देख के हमको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। अपने आप देख के बता पाओगे, क्योंकि अगर वो S पे एंड हो रहा है, मतलब S ब्लॉक का है, P पे तो P का है, D तो D और F तो F, ठीक है। तो ये जो हर एक ब्लॉक है वो क्या बताते हैं कि कौन सा सबशेल है, कौन से सबशेल के हैं, ये कौन से ऑर्बिटल के हैं, वो एलिमेंट किस ऑर्बिटल पे एंड हो रहे हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, अब एक एक करके बात करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सब एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी हमको बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा मीन्स कि हमको बहुत सारा रीजनिंग पढ़ना है, ये चैप्टर में रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो S ब्लॉक एलिमेंट क्या है भाई, S ब्लॉक के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो S ब्लॉक में एक क्या मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड
इन द वैलेंस शेल, बाहर वाले शेल में जो जाएगा वो कौन सा रहेगा, कौन सा सबशेल रहेगा? एस ब्लॉक में जो बाहर आप शेल देखोगे या जो बाहर वाला आप ऑर्बिटल देखेंगे वो कौन सा ऑर्बिटल होगा आपका? वो होगा आपका एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है, एस सबशेल पेंट करेगा। दूसरी चीज कि क्योंकि वो एस सबशेल है या एस ऑर्बिटल है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? एस में अपन एक ही बॉक्स ड्रॉ करते हैं और उस बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं कि इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ओनली लगा दो। जैसे आप बैंक में पैसे निकालने जाते हैं तो ओनली लगाना ज़रूरी है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, सिर्फ दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकते एस के अंदर, ठीक है। अब क्या एस में दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एस कैसे कैटेगराइज होता है? एस के दो पार्ट हैं, कौन कौन से दो पार्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट। एक को बोला जाता है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, और भाई दूसरे को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर सो रहे हो आप लोग मोबाइल देखते देखते, ये वीडियो देखते देखते, तो जाग जाओ, अभी भी वक्त है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो ये दो दो पार्ट होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल के पास ले चल रही हूँ, कमिंग टू, यस, कैन यू सी दिस? फर्स्ट ग्रुप आप देख पा रहे हैं ये अल्कली मेटल है, दूसरा ग्रुप आप देख पा रहे हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, ठीक है। ईजिली अर्थ में अवेलेबल होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम आप सुनते हैं, ठीक। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एस ब्लॉक की दो और खासी हैं, दो चीज़ों में ये डिवाइडेड हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, आपको बताई थी फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप मैंने ये पहला ग्रुप लिखी, पहला ग्रुप, ठीक है ये, और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल इसका होगा NS2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है। सीधी सिंपल सी बात, कितना आसान, ठीक है, NS2 होगा। अब ये जो है इन लोग कहाँ से कहाँ तक एंड करते हैं आप देख पाओगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, देख लेना भैया कहीं छूटा ना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, आप इसको जैसे याद करिए आपकी खुशी, ठीक है। इसको देखो अभी इसमें क्या क्या होता है, हीलियम होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है, सीरीज से लिखी चिंता मत करो, बेरियम होता है और रेडियम होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक, ओके। अब आप ये देखिए कि ये हो गए आपके दो ग्रुप जिनको एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। इनको आप अच्छे से समझ लो कि दो पार्ट होते हैं इसके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक, अपन एस ब्लॉक की बात करें स्पेसिफिकली, उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं कहाँ पर एंड होंगे, एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में। दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एस में हो ही नहीं सकता। दो पार्ट होते हैं इसके, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल के अंदर सिर्फ इतनू से हैं एलिमेंट्स, आपको फटाक से यूं याद हो जाएगा, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर भी सिंपल सी, ठीक है। सो दीज आर द कैटेगराइजेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सभी पिक्चर बाकी है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक भी देखना है हमको एस ब्लॉक का। अब आप देखो कि जो कैरेक्टरिस्टिक में लिखने जा रही हूँ ये सारे में सिर्फ एस ब्लॉक के लिख रही हूँ, नहीं तो आप तो खड़े हो जाओगे अदालत में कि कैरेक्टरिस्टिक लिखा आपने, किसका कैरेक्टरिस्टिक भैया, तुम्हारा और मेरा तो है नहीं कैरेक्टरिस्टिक, हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और ये एस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम लिख रहे हैं डियर, दिस इज ऑल जस्ट पॉइंट्स। अभी यहाँ पे किसी का भी रीजन, किसी का भी जस्टिफिकेशन मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब अपन ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें हम रीजन पढ़ेंगे। तो अभी आपसे समझ लो क्या क्या होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। सॉफ्ट मेटल होते हैं एस ब्लॉक के सारे, पहली बार देखो मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है पीरियोडिक टेबल में। फिर मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल की तरफ लेके जा रही हूँ, जस्ट सी वंस अगेन, आपकी बहुमूल्य समय से एक और टाइम में निकाल रही हूँ आपके लिए। देखो ये जो है एस, एस ब्लॉक भी पूरा मेटल होता है, डी ब्लॉक भी मेटल होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल पढ़ेंगे अपन, सारे मेटल हैं ये, मेटल 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 बहुत सारे मेटल। पी वाले, पी में सिर्फ नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, ये सारी इतनी चीज़ें होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, बस
ठीक है, आपके राइट हैंड में, आपका राइट हैंड नॉन मेटल है और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो क्या है, मेटल है। अब ये नहीं कि मैम मैं तो उल्टा है मेरे साथ, मैं तो लेफ्टी हूँ, तो क्या कहानी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो योर राइट हैंड, तो राइट हैंड जो है आपका वो क्या है, नॉन मेटल है, एंड लेफ्ट हैंड इज गोइंग टू बी योर मेटल। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे और देखते हैं क्या है। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे अभी फिलहाल, वी वर राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक। सॉफ्ट मेटल होते हैं पहली बात, दूसरी चीज़ क्या होती है इनमें, दे आर हाईली रिएक्टिव। अब आपको हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब ही मैं समझा चुकी हूँ कि कब चीज़ें रिएक्टिव होंगी, क्यों रिएक्टिव होंगी, रिएक्शन क्यों होते हैं, लेकिन हाईली रिएक्टिव क्यों है ये हम पढ़ेंगे। वील स्टडी द रीज़न फॉर एवरीथिंग। तो होते हैं लोग हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इनके पास, इनके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, S1 वाली कंडीशन आती है। ठीक है, S1 और S2 आप बोल सकते हो। तो ये क्या है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है ये, और इजीली इन लोग अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फटाक से इनका ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसको हाईली रिएक्टिव बोला जाता है। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, BPMP ब्लड प्रेशर आपका, बॉइलिंग पॉइंट लिखी हूँ मैं, नहीं तो आप सोचोगे BPMP क्या लिख दिए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लिखा है। ठीक है, एक बहुत अच्छी खूबी होती है जब आप लैब में जाओगे लॉकडाउन के बाद धोखे से। ठीक है, तो अब आप देखोगे जहाँ पे धोखे से प्रैक्टिकल करवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, दर इज नो यूज़ विच आई बिलीव। ठीक है, तो दे इम्पार्ट्स कलर, इस ब्लॉक एलिमेंट जो है, ये जो एटम है इनके, जब इनको फ्लेम के पास लाया जाता है, ऐसे नहीं ले आते हैं आग के पास, ठीक है, जब इनको फ्लेम के पास लाते हैं तो आप इनके अलग अलग कलर देखोगे, और कलर क्यों होता है इसका भी रीज़न है। ठीक, और इम्पार्ट्स कलर टू द फ्लेम, इससे आप क्या समझते हैं, मैं आपको जनरली बता दे रही हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। इम्पार्ट्स, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप जब उसको उनके सॉल्ट देखोगे तो कलरफुल होंगे, नहीं, वो फ्लेम में कलर देंगे। फ्लेम से आप क्या समझते हैं, फ्लेम में कलर देने का मतलब आप क्या समझ रहे हो, कि जैसे कि ये फ्लेम है, बर्नर है आपका, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, इसमें सॉल्ट की कोटिंग है, अभी आप पढ़ोगे प्रैक्टिकली कैसा होता है। तो जब आपने क्या किया, हीट किए, जब आपने क्या किए, हीट किए, ओके, तो हीट करने पर जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, पर्टिकुलर एलिमेंट है एस ब्लॉक के, वो क्या करेंगे, एलिमेंट एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आप जब किसी चीज को हीट कर रहे हो या गर्म कर रहे हो, तो मतलब एक्चुअली में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हो एनर्जी। ठीक है, तो जब आपने एनर्जी दी है तो वो ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ पर चला गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंच गया, वो एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गया, एक्साइट हो गया। अब ये एलिमेंट जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो जो इनकी एब्जॉर्ब एनर्जी रहती है उसको ये शो करना शुरू कर देते हैं, एमिट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद आप इसका क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर देखते हो। ठीक है, सो एस ब्लॉक एलिमेंट दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, वाई, बिकॉज वेन यू गिव हीट वॉट एक्चुअली हैपन्स, एक्चुअली में आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी देने से उन लोग क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं एस ब्लॉक के, वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये जब एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न होते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो ये आप जो आप कलर देखते हो एक्चुअली में, वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, फिफ्थ पॉइंट, बहुत ही अच्छा, कि ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, बहुत ही अच्छे। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वीडियो ज़रूर देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। सबको बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, फिर आप कम गेन करना जो होगा वो कम गेन करोगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, और पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, इंक्लूड कर सकते हैं कि ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा चलो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ अभी फटाफट सा, बाद में देखेंगे बाकी चीज़ों को, कि जो लिखा है ना आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, आयोनिक मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, चार्ज हो, कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज होते, लेकिन ये जो एस ब्लॉक है क्योंकि मेटल है, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, मेटल के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होता है,
हमेशा मेटल विल ऑलवेज कैरी द पॉजिटिव चार्ज. पढ़ेंगे पढ़ेंगे रीजन पढ़ेंगे. आयनिक कंपाउंड, जैसे कि देखो सोडियम जो है, मैंने आपको क्या बोला, रिएक्टिविटी हो, रिएक्शन हो, कुछ भी हो, स्टेबिलिटी चाहिए जीवन के अंत में. तो जैसे कि ये अगर इसकी बात करो आप, इफ़ यू टॉक अबाउट सोडियम सपोज वंस, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 लिखते हैं, कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ठीक है, अब देखो इसके बाहर वाला शेल, बाहर वाला शेल कौन सा है इसका, 2 वाला शेल बाहर है, ये वाला शेल बाहर वाला शेल है, क्योंकि इसका भी n सेम है, इसका भी n सेम है. तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये अलग शेल हो गया. अलग शेल क्यों हो गया, क्योंकि इसकी n की वैल्यू 1 है, इसकी n की वैल्यू 2 है, दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी. तो ये बाहर वाला जो शेल है जहाँ पर n की वैल्यू इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, दोनों की 2 है, बाहर वाला शेल है, इनके ऑक्टेट यहीं पे कंप्लीट हो जा रहे हैं, 6, 7, 8. आप देखोगे 6 + 2 अगर आप धोखे से कैलकुलेशन कर दोगे तो इसका 8 आएगा. और मैंने आपको क्या बोला कि अगर बाहर वाले शेल में, आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट उसका. तो ये क्या करेगा, अभी स्टेबल नहीं है, अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. तो ये क्या, इसकी इन लोग की कैपेसिटी क्या रहती है एस ब्लॉक वालों की, कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, दे देते हैं, दे गिव देयर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और ये क्या करते हैं, खुद भी स्टेबल हो जाते हैं, और जिनको जरूरत होती है उनको दे देते हैं. उनको दे दिया, खुद भी स्टेबल हो गया, जिसने लिया वो भी स्टेबल हो गया. तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, समझ लो एक प्रकार के, इस ब्लॉक को बोल सकते हैं. तो दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, आयन बनाते हैं. और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, केमिस्ट्री थोड़ी उल्टी है, याद रखो आप, मतलब कि अगर आप ये देखोगे कि अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, अगर किसी भी के ऊपर पॉजिटिव है, मतलब एन ए के ऊपर ऐसा लिखा रहता है एन ए प्लस, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. ठीक है, किसी के ऊपर भी अगर कोई भी एलिमेंट बी है, इसके ऊपर माइनस लगा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है. ठीक है, अभी आयनिक कंपाउंड हम और अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको बस जनरल बता दी कि कैसे होता है, कैसे करके इसको आयनिक बोला जाता है. तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कौन बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, याद रखना, मतलब अकेला एटम नहीं बनेगा, दो लोग मिलेंगे तब जाके एक कंपाउंड बनेगा. सो दिस इज द बेसिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. रीजन हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स में, जब ट्रेंड्स पढ़ेंगे, और अभी आगे बहुत सारा हमको डिस्कस करना है, देन वील स्टडी द रीजन. अभी मैं सिर्फ आपको सारे ब्लॉक का कैटेगराइजेशन बता रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जब हम रीजन पढ़ें तो उस समय आप कन्फ्यूज ना हो. थैंक यू एवरी वन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस टू ऑल. Stay healthy, stay fit.